सर परेशानी है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की फिल्में कैसे नहीं आएंगी, आप बताइए कि हमारी फिल्म रिलीज़ पे है, हमारी फिल्म रिलीज़ पे है, 18 जनवरी को हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है और 15 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत जी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर आता है राइफलमैन नाम से, और उससे पहले हमारे को एक लीगल नोटिस आता है कि ये फिल्म आप नहीं बना सकते क्योंकि इसके राइट्स उनके पास हैं, जबकि ये जो राइट्स हैं इस फिल्म के वो सारे के सारे राइट्स 2015 में मैंने लिए थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की माता जी से, तब वो इस दुनिया में थी, दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में नहीं है। ये उन्होंने राइट्स मुझे दिए थे और इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा था कि ये राइट्स आपको दिए जा रहे हैं और आपके अलावा इस पर कोई फिल्म नहीं बना सकता। अगर सर उनके पास राइट्स हैं या कुछ ऐसा उनको लगा कि कुछ वो भी इस पर फिल्म बना रहे हैं ऐसा कुछ उनको लगता तो वो कंसर्न होके सामने आते। सर फौजी के ऊपर फिल्म बनाई है हमने, फौजियों की तरह सामने होना है? आप एक लीगल नोटिस भेजते हो, पहले मानसिक रूप से कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हो, हमारे को दबाने की कोशिश करते हो क्योंकि हम नए हैं, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इतनी भावना से फिल्म बनाई है, पिछले 4 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, ये उसका हनन है। सर तकलीफ क्यों नहीं होगी आपको, बताइए आप। जो कि जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि एक ही मूवी बनाना चाह रहे हैं जिसका टाइटल है राइफलमैन, और जैसे ही ये ट्विटर हैंडल से आउट होता है सुशांत सिंह राजपूत जी के कि ये एक पिक्चर आ रही है, 15 जनवरी को ये आउट हो जाता है। तो इसके साथ ही एक हमें हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट आ गए हैं तो हमारे पास पूरा हमको पूरा पूरा अधिकार है कि हम उस पर फिल्म बनाएं। 2015 में राइट एक्वायर करने के बाद में इन्होंने उस फिल्म पर रिसर्च किया, पूरी बनाई, सारी टीम सब रेडी करके पूरा जब उसको शेप दिया, पिक्चर शुरू कर दी और जब पिक्चर एक मुकाम पे पहुंच गई तब अचानक वो खड़े होकर बोल रहे कि नहीं हम पिक्चर आपकी नहीं हमारी है, और दैट टू वो कहाँ से क्लेम। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो केस फाइल हुआ था, जो पिटीशन फाइल हुआ था वो विजय रावत जी ने फाइल किया था और ये राइट विजय रावत जी के ही थ्रू क्लेम कर रहे हैं, और हाईकोर्ट ने 16 तारीख को जो ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट के ऑर्डर ने क्लियर कर दिया है कि ये राइट उनके पास नहीं है, वो हमको फिल्म बनाने से रिलीज़ करने से कोई रोक नहीं सकता, हम सही हैं। अगर उनको किसी भी तरह का ग्रीवेंस है तो अप्रोप्रिएट फोरम के साथ जाके अपना केस फाइल करें, जो भी करें, यानी कि मनी रिकवरी सूट फाइल करें, ये करना है तो उनको। उसके बाद उनका कोई सूट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, और जब पिक्चर इस फिल्म के बारे में हाईकोर्ट फैसला देने वाली थी 16 तारीख को, 15 तारीख को अचानक एक दिन आपके पास आपका एक मैसेज जिसमें ट्विटर पे आता है कि आप अनाउंसमेंट करते हो कि फिल्म हम बना रहे हैं। ऑफकोर्स एक सवाल बनता है कि एक बड़े व्यक्ति के ऊपर, एक नामचीन उसके ऊपर, एक जिसने देश के लिए काम किया है, कोई भी फिल्म बना सकता है, परंतु उसके पास राइट होना चाहिए। ये राइट हमारे पास आ गए, हमने राइट एक्वायर कर लिया है, तो सेम राइट उसमें भी लिखा है कि विजय जी उस टाइम उनकी माता जी जीवित थी, उन्होंने दोनों ने साइन किया है, कोर्ट ने अपनी दोनों बातों को रेफर किया है। तो हमारा ये बोलना है कि जब उनका लीगल नोटिस इस बात पे आया कि आपका राइट नहीं है, तो हमने उस बात का जवाब दिया और सारी बात ए टू डेट जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सारी चीज़ें हमारे इस नोटिस में, हमारे इस रिप्लाई में लिखी है, सारा का सारा मैंने लिखा, लेकिन इस बात का आज तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और अचानक एक दिन आप जो अनाउंसमेंट करते हो कि ट्विटर पर कि हम फिल्म बना रहे हैं, कैसे बना सकते हो आप उनके, आप हमारे इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कि कायदे से कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए एक राइट लेता है, एक अधिकार लेने के बाद फिल्म बनाता है, उस फिल्म बनाने के बाद आप अचानक फिल्म माफी नहीं है, तमाम लोगों को भड़काया जाता है, जैसा मुझे भी मालूम पड़ा, ये सारी चीज़ें गलत हैं। और इसके अलावा हम सेकेंडली अब क्या फर्दर चीज़, और ये बात गलत हुई है, इस पर हमारे फिल्म के बिजनेस पे असर आया है, हमारी प्रतिष्ठा पे आँच आई है, हमारे भावनाएं आहत हुई हैं, हम मार्मिक रूप से भी इस बात पे हम कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुए हैं। इन सारी बातों के लिए हम डेफिनेटली हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कंपेंसेशन मांगेंगे, और जो गलत हुआ गलत को सही करने के लिए जो भी दंड का प्रावधान होगा हम कोर्ट में जाएंगे। उससे पता है कि हमारे पास एक चीज़ होती है कि कंपेंसेशन एक होता है जो हमारा नुकसान हुआ, तो नुकसान के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन, हमारे पूरा बिजनेस से अकाउंटिंग होगा, उसके बाद यदि हमारी फिल्म क्या रेशियो में चल रही थी, बाद में क्या हुआ, उनके अनाउंसमेंट के बाद से क्या हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हुई, इन सारों को कैलकुलेट कर हम एक बनाएंगे और उसके हिसाब से हम निश्चित कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, अमुक अमाउंट के ऊपर हमें ऊपर हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। तो एज ऑन टूडे हम ये भी नहीं बता सकते हम किस कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ अकाउंटिंग के बाद होगी। सेकेंडली, यदि उसमें किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल एक्ट सामने आता है, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, इसमें कोर्ट की अवमानना भी है,
जैसे उनको मालूम था कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट का मामला 16 तारीख को आने वाला था, डायरेक्टर सेम है, जो जिनकी जो भी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, उस फिल्म के भी डायरेक्टर वही हैं जो कि शुरू से जुड़े हुए, उनके इनका नाम उस नोटिस में है, और उस दिन उनके एडवोकेट वहाँ पे कोर्ट में हाजिर थे, तो हम ये वो कभी नहीं स्टैंड ले पाएंगे कि हमें जानकारी नहीं थी। तो यानी कि जानकारी होने के बावजूद कि मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, आपने एक अलग तरीके का स्टेटमेंट दिया और पिक्चर मतलब कोर्ट से आप कोर्ट से बड़े तो अलग नहीं हो गए आप, तो ये कोर्ट की अवमानना है। इसके लिए भी हम कोर्ट का हम दरवाजा खट कर देंगे, जो भी अप्रोप्रिएट फोरम होगी डेफिनेटली हम जाएंगे। और फिल्म के मेकर से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, हम फिल्म के हमारी लीगल करस्पॉन्डेंस हो रहा है, उन्होंने जो लीगल हैंडमेंट डायरेक्ट हम मैं की तरफ से इनके भी आपको मैंने एज एन एडवोकेट में उनका जवाब दिया है, और उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं है, तो हम उनके जवाब की भी अपेक्षा रखते हैं। ये जवाब नहीं है तो डेफिनेटली हम पूरा हमें फिर भी फिल्म के ये भी ये बातें हुई हैं, ये भी नई नई घटनाएं आ रही हैं, इन सारी बातों को कैलकुलेट करके सीरीज में सीक्वेंस मिला करके जो भी होगा हम कानूनी कार्रवाई हम 100% 100% हमें करना ही करना है। सिर्फ अमाउंट का हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लॉसेस कितने हुए हैं। मेकर से सवाल है जी, नहीं होगा सर आपकी तरफ 15 साल जूते घिसे हैं सर, और बैकस्टेप ले लेंगे वो तो कभी नहीं हो सकता। आप नॉन फिल्म मेकर्स हो, आप दबाव बना रहे हो और आप समझ रहे हो कि वो दबाव मुझ पे या मेरे प्रोड्यूसर पे पड़ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुशांत सिंह राजपूत, आई रियली रिस्पेक्ट दैट मैन, बहुत रिनाउंड एक्टर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, मुझे लगता है कि वो उतने ही सेंसिबल भी होंगे। अगर मैं कोई फिल्म करता हूँ, मुझे कोई फिल्म मिलती है, तो पहले मैं उस फिल्म को देखूंगा कि वो फिल्म पूरी तरह से क्लियर है क्लियर नहीं है, और तब मैं अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ डालूंगा। क्या उनको पता नहीं रहा होगा इस फिल्म के बारे में कि ये जो फिल्म है 72 आवर्स, भले कितनी भी गौण फिल्म क्यों ना हो, कितनी भी छोटी फिल्म क्यों ना उनकी नज़रों में हो, पर क्या उनको ये बिल्कुल पता नहीं रहा होगा कि इस फिल्म के ये फिल्म कोई एक एक्स बंदा बना रहा है? क्या उन्होंने ये मेकर से, जो मेकर उस फिल्म के हैं सो कॉल्ड आई डोंट नो वो कौन है, क्या उन्होंने इस बात का कंसर्न नहीं रखा उनके सामने, नहीं रखना चाहिए था कि पहले आप वो क्लियर कीजिए तब मैं इस फिल्म में काम करूंगा? सुशांत सिंह पे किस तरह की कार्रवाई करना करने जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त फिल्म रिलीज की कगार पे होती थी उसी वक्त वो ट्वीट करते हैं, कहीं माइंड डाइवर्ट होता है ऑडियंस का, क्रिटिक का, क्या कहना चाहेंगे सुशांत सिंह पे, खास क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हालांकि संजय खंडूरी जी का नाम नहीं दे रहे, लेकिन हमें पता है कि संजय खंडूरी डायरेक्टर, तो मैं सब आपको जानना चाहूंगा क्या कार्रवाई होगी सुशांत। और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या सर साजिश भी हो सकती है क्या कि फिल्म रिलीज के लिए? हाँ सर, सर आपने लीगल नोटिस दिया उन्होंने और इसको ग्रंज कुलनस सर, देखिए जैसे कि उन्होंने अपने ट्वीट किया है, पहली बात तो अगर ये कोई अनाउंसमेंट है तो पहले तो अबंडेंशिया के थ्रू आनी चाहिए ये, या फिर किसी डायरेक्टर के थ्रू आनी चाहिए कि ऐसी कोई पिक्चर आ रही है, तो उनके थ्रू ये आई है। सेकेंडली, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उसमें एक हानि हुई है, राइट। अब जो भी उसमें हम कार्रवाई करना चाहेंगे वो मैं कंसर्न आदमी जो हमारे हैं नागेश जी उनसे मैं कंसर्न करूंगा, वो जैसा ठीक समझेंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे उसमें। किस प्रेस में रखेंगे, मतलब व्हाट विल द सेक्शन आई यू नो आईपीसी रिफाइनिंग अगेंस्ट स्पेशली फॉर द सुशांत सिंह केस? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग इटसेल्फ दैट वी हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली द लॉसेस आर इनकर्ड टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू एंटायर कॉन्ट्रैक्ट व्हाट हाउ मच लॉसेस आर देयर, सो इट हैज टू बी डन आफ्टर एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द फिल्म, सो इट विल टेक सम टाइम। सो व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से कि हम लोग एक बात में बैठने के बाद फिल्म का टोटल इन टोटलिटी कैसे क्या होता है कि हमारी फिल्म का क्या रेशियो चल रहा था, स्टार्टिंग में क्या बिजनेस था, और इनकी बातों के बाद से क्या का फर्क पड़ा, वे एक बात होगी कि हमारा लॉसेस। सेकेंडली हम ये बोलेंगे कि यदि आपकी नीयत में शुरू से यह पर्पजली इंटेंशनली अगर आपने अनाउंसमेंट किया है हमारे फिल्म को डैमेज करने के लिए, तो एक अलग कॉज ऑफ एक्शन होता है। थर्डली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको जानकारी होने के बावजूद यू आर हैविंग सफिशिएंट एंड फुल नॉलेज अबाउट पेंडेंसी ऑफ द मैटर दैट दिस पर्टिकुलर रीट पिटीशन नंबर सो एंड सो इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर पासिंग सर्टेन रिमार्क्स, यू आर इशूइंग दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन थ्रू दिस वट एवर दिस सोशल मीडिया, and thereby you are misleading the people that you are the right person who are going to make the film, and at the same time you are creating a picture in the mind of others that we are wrong people and we have not got the rights, so therefore in spite of exchange of many legal notices, so therefore we are completely on the right path, and that's what Mr. Dhani said, that we are not going to take back our steps, definitely we shall, they are there, and as per their instructions we shall file the case at appropriate, and
we shall also approach the honorable courts for some certain criminal acts which may be applicable at the time after having proper discussion and defining their what exactly their acts and there will be group deeds are there. Sir, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ आ रही थी, मैं चुप रहा. सर कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, राइट. मुझे फिल्म बनानी थी, मैं चुप रहा. मेरी टेक्निकल टीम को से पूछा जा रहा है, स्वयं सो लोगों से पूछा जा रहा है, संजय खंडूड़ी की ये कैसा चल रहा है. मैं चुप रहा सर, कि काय के लिए झमेले पड़ना है आपको, चुपचाप अपनी फिल्म बनाऊँ. मैं बनाता हूँ, कोई मसले में नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अनवांटेड जो एक सो कॉल्ड लोग कहते हैं ना कि अरे पब्लिसिटी सीकर के लिए काम करेगा, मैं चुप रहा सर उस बात को लेके. कभी कुछ मुंह नहीं खोला मैंने. वो मैं चाह रहा था कि वो अगर कुछ लीगली जाएंगे, कुछ लीगल मेरे पास आएगा, कुछ एक पॉपअप आएगा कि हाँ भाई ये फिल्म हम कर रहे हैं ऐसे करके, तो मैं इस पर बात रखूँगा. मानसिक दबाव होता है सर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के ऊपर. आप एक वॉर फिल्म लेके आ रहे हो दुनिया के सामने और एक बड़ा स्पेंड उस पर लगा हुआ है मेरे प्रोड्यूसर का, एक बड़ा स्टेक पे हम लोग हैं और फाइनल मोमेंट पे आप बम फोड़ देते हैं हमारे ऊपर कि भैया ये फिल्म तो हम बना रहे हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में वेल एस्टैब्लिश्ड हो पहले से और आप ये सोच रहे हो कि आप दबाव बना ले जाओगे. तो सर ये गलत फहमी है सर, ये उनकी गलत फहमी हो सकती है. उनको सामने आना चाहिए था, हमारे से बातचीत करनी चाहिए थी. अगर भाई वो अगर फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ भावना बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही भावना है, मगर उस भावना के तरीके बड़े अजीब से तरीके हैं सर. मतलब आप क्या करना चाहते हो यार, आप क्या सिंटा में भी लेके जाएंगे अपने केस को? सर वो अभी देखा जाएगा कैसे क्या होना है, ये पहले हमारे जो लॉयर साहब हैं वो डिसाइड करेंगे सारी चीज़ें. फिलहाल तो सिंटा में या एसोसिएशन में जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब हम मैटर ऑलरेडी हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है तो एसोसिएशन में जाने का वापस उस पर कोई प्रश्न नहीं उठता है. एंड सेकेंडली अगर किसी एसोसिएशन में सिंटा में इम्पा में या IWF में या GLD में कहीं भी जो भी कंसर्न फोरम होकर वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ भी उनका जो अवार्ड पास होता है उस अवार्ड को कंफर्म करने के लिए हमें हाईकोर्ट का हाईकोर्ट में जाना ही पड़ता है. तो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू द हाईकोर्ट बिकॉज हमारे को डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं है, सो देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी आर्बिट्रेशन, वो चीज़ नहीं है. हम डायरेक्ट अपने जैसे भी मैंने बताया कि हम उसको अपने डिसाइड करेंगे हमारे लॉसेस क्या हुए और उसके बाद उन्होंने जो किए हैं अभी तक, जैसे उन्होंने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और ये करने के बाद जो गलत तरीके से जो राइट्स क्लेम करें, जैसे कि सुशांत जी ने बताया कि उनका उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सोशल मीडिया के थ्रू कि वो ये फिल्म बना रहे हैं, राइफलमैन बना रहे हैं. तो राइफलमैन बना रहे हैं तो किसके अधिकार से बना रहे हैं? ये अधिकार जब हमारे पास आ गया है तो आप ये आपको अधिकार किसने दिया? यदि अगर विजय रावत जी ने अधिकार दिया है तो ये डबल डीलिंग हो गई और ये मतलब ये आपने जब लिख दिया कि हम आगे किसी को अधिकार नहीं देंगे तो अकॉर्डिंग टू अस दैट इज अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी, फॉर्जरी कपल्ड विद ऑफेंस ऑफ चीटिंग. तो हमने 462, 467, 471, 474, 41420, रेड विथ 120B, 34 ऑफ IPC, ये हमारे प्रोविजन जो क्रिमिनल एक्ट में हमारे लगेंगे. अभी जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जिनके सब हर आदमी जो भी कंसर्न है जो भी इससे बेनिफिशियरी है हर आदमी के ऊपर लगेगा, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, क्योंकि अगर यदि आदमी बेनिफिशियरी है, जैसे आपने देखता है कोई भी केस होता है, कोई भी घटना घटती है, एक आदमी एसी रूम में बैठ के प्लानिंग करता है, फोन पे इंस्ट्रक्शन देता है कि जाओ उसको मार दो, एक आदमी घटना को अंजाम देता है, बट वो भी सिमिलरली साइमल्टेनियसली ही इज लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड. तो उसी तरह क्योंकि ही इज प्लेइंग रोल इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सारी चीज़ें बैठती हैं तो सारे के सारे जो भी हों, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी बेनिफिशियरी हो, जिसको भी बेनिफिट हुआ हो या बेनिफिट होने के पर्पज से आई विल बी बेनिफिशियरी, ये भी अगर आपकी नीयत यदि हो गई, कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी के डकैती डालने जाते हो, आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलता तो भी डकैती है, ऑफेंस इज ऑफेंस. आप बेनिफिशियरी हुए या नहीं हुए इज अ डिफरेंट पार्ट, बट यू हैव कमिटेड पर्टिकुलर क्राइम. भाई अभी ये भी भाई ये डिसाइड कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ कि क्राइम हो चुका, वी विल डिसाइड आफ्टर गोइंग थ्रू एंटायर एक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. मैं कहीं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख में इस वक्त आपके माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, शत प्रतिशत करेंगे, जो भी कानून के दायरे में आएगा फिट बैठेगा, हम कहीं भी किसी को बख्शेंगे नहीं. हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ी एक साजिश रची गई है, और जैसे कि आपने बोला कि साजिश हो सकती है, मैं गारंटी की तरह साजिश हो नहीं सकती है, साजिश हुई है,
Sir, there are two beneficiary, you know, beneficiary people which I can see. One is Sanjay Gandhi, another one is Sushant Singh. See, I said to you in the beginning itself that I'm not going to name anyone right now at this stage, and we'll have to discuss, because right now, as you say, that Mr. Khandur is director, but I don't know whether he is there or not. I have to see on the paper. If really he is a business director, suppose he may not have an interview agreement with the producer. Here we have to check it, we have to confirm each and every documents, legality and all this applicability of each and every matter. And suppose he is a director, and in spite of having knowledge about this, he is doing illegally making this film, or he is trying to make this film illegally, then he is liable to. Right now, at this moment, I am not able to, I cannot, I should not make any complete statement against him. There are many films like, you know, Devdas, Bhagat Singh, which are on the same subject. These films are made on the same subject. So are you taking actions because they have not consulted you, or they have given direct notice? So is this your concern? Yeah, this is the only concern ki aap picture banana chahte hai, bahut achhi baat hai. बट आप किस तरीके से हमें लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आपने कंसेंट नहीं किया, आपको कुछ भी करना है, हमें आप बैठे समझाए, मगर वो बहुत तरीका ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक प्रेशर है वो. और जब से फिल्म मैंने बनाना शुरू किया उसके कुछ महीनों बाद से मैं दिल्ली में ऑडिशन लेता हूँ, तो मुझे किसी रैंडम एक बंदे का फ़ोन आता है कि इसके राइट्स तुम्हारे पास हैं. मैं वहाँ से चुप हूँ, सर इसके राइट्स हमारे पास हैं. ठीक है भैया, तुम्हारे पास ही होंगे. कुछ नहीं बोला मैं बनाता रहा, क्योंकि मैं सर ये लेके बैठा हुआ था 2015 से, जब उनकी माताजी थी इसमें. मैं कुछ नहीं बोला. फिर उसके बाद एक न्यूज़ फ्लैश होती है संजय खंडूड़ी की तरफ से कि राकेश ओमप्रकाश मेहरा और संजय खंडूड़ी ये फिल्म बना रहे हैं. ठीक है, मैं तब भी कुछ नहीं बोला. अब ये अबंडनशिया और सुशांत सिंह राजपूत अब ये फिल्म बना रहे हैं. इस सब्जेक्ट को बाजार बना दिया है क्या? बाजारों बना दिया है क्या सब्जेक्ट को? मार्टिर की कहानी है ये, और पहले से आपको पहले दिन से पता है कि ये फिल्म मैं बना रहा हूं. तो एक और वो उत्तराखंड से ही है, ये एक और बड़ी दुखद बात है. हम सीधे साधे लोग हैं सर, ये कमर्शियल समझ में नहीं आता. एक सीधे साधे वीर पे हमने फिल्म बनाई थी, जो बनाना चाहते थे वो हमने बनाई, खड़ी की, कोई कमर्शियल एंगल नहीं था. ये साहब मिले देहरादून से ही थे, उन्होंने कहा कि यार इस वीर पे फिल्म आनी चाहिए. सिंपल सी बात है. सर, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म जैसे आपने कहा कि ऑडिशन के टाइम पे कॉल आया था, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म क्या कोई थ्रेट या फिर ऐसा कुछ आया? सर आता रहता था सर, ये तो चला आ रहा है, मगर सर किसी भी इंसान की ना एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, कि यार अब ठीक है. अगर तुम्हारे पास लीगैलिटीज थी, तुम्हारे पास चीज़ें थी और तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो आते सामने बैठ के बात करते. संजय खंडूड़ी उत्तराखंड के ही हैं, देहरादून से ही हैं, बैठ के बात करते. मैं कहीं जापान में तो रहता नहीं हूँ, उनके छोटे भाई की तरह हूँ. पहाड़ी वो भी है, पहाड़ी मैं भी हूँ. मुझे बोलते भूला क्या क्या तुम्हारा क्या कंसर्न है इस फिल्म को लेकर, मेरा क्या टेक है इस फिल्म को लेकर, बात करते सर. अब घुमा के चीज़ें लेके आ रहे हो, और फाइनली जब मेरी फिल्म रिलीज पे आती है तो आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, जो बहुत ही दुखद है सर. ये हमने आपकी बातें सुनी मीडिया के माध्यम से, आपने सबको बातें बताई है, और एंडिंग नोट क्या चाहते हैं आप लोग एज अ टीम, यू नो, कुछ माफीनामा उनसे चाहते हैं या कुछ कॉम्पेंसेशन, या क्या किस तरह से इसको एंड करना चाहेंगे आप? सर लीगैलिटीज तो सर बताएंगे कि कैसे इसको करना चाहिए. मेरा सिर्फ एक इमोशनल नोट है कि ये भावनात्मक फिल्म है, ये भावनात्मक सब्जेक्ट है, ये इमोशनल सब्जेक्ट है. इस पर इस तरह की राजनीति, इस तरह का प्रेशर ना बनाया जाए, और जो उन्होंने किया उसको लेके माफ़ी मांगी जाए, और थोड़ा सा अपने अंदर झांका जाए कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं. ये मेरा पर्सनल कंसर्न है सर, ये मैं चाहता हूँ ऐसा. सो फार लीगलिटीज कंसर्न, तो मैंने बताया कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, जाएंगे, जरूर जाएंगे कोर्ट में. जैसा मैंने अभी बताया कि हम एक डिसाइड करेंगे, बाद में बैठने के बाद पूरा उसके अकाउंटिंग करेंगे, हमें लॉसेस क्या क्या हुए, कैसे कैसे हुए हैं, वो सारी चीज़ करेंगे. और जो जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या क्रिमिनल हो या सिविल हो, लॉसेस हो, मॉनेटरी लॉसेस हो, लॉसेस इन रेपुटेशन हो, तमाम लॉसेस, अपने इमोशनल लॉसेस भी, हम उससे कंसर्न है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तमाम चीज़ें, इन चीज़ों के बाद हम ये काम करेंगे. और हमारी जहाँ तक बात है, एक फिल्म की बात है, हमारी फिल्म रिलीज़ हो चुकी है,
और रिलीज़ होने के बाद ही हमें डिसाइड होगा कि ये हम डिसाइड करेंगे कि आप थोड़े दिन बाद कि जैसा एज पर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी होती है कि कितना हमारा लॉस होगा उनके स्टेटमेंट की वजह से, वो हम करेंगे। और जहाँ तक इस मैटर के एंड होने की बात है तो एंड इसका यही है कि वो फिल्म जो अपना अनाउंसमेंट जो किया उसको अनाउंसमेंट को विड्रॉ करें और बिल्कुल वापस नया अनाउंसमेंट करेंगे अपने से मिस्टेक हो गई थी और ये फिल्म बन चुकी है, हम ये फिल्म नहीं बनाएंगे बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे उन्होंने ये फोटो डाला था वैसी फोटो फोटोशॉप करके डाला जाए साफ साफ अक्षरों में कि ये फिल्म हमने बंद कर दी है।